चतुर्भुज की रचना करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। रचना निर्मेय 6, समांतर चतुर्भुज की रचना करना जब उसके दो विकर्ण और उनके बीच के कोण दिए हुए हों। उदाहरण 6, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें एसी बराबर 7 सेंटीमीटर और बीडी बराबर 6 सेंटीमीटर और इनके बीच का एक कोण 40 अंश हो। बच्चों, अभी तक आपने त्रिभुजों की रचना पर काम किया है और आपने बहुत खूबसूरती से सारे त्रिभुज बनाए होंगे और नई नई माप को लेकर भी आपने इस पे प्रयास किया होगा और मुझे यकीन है कि आपने बहुत अच्छी तरह से किया। अब हम एक अलग शुरुआत कर रहे हैं, हम कुछ खास तरह के चतुर्भुजों की रचना करने जा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आपने ऐसे चतुर्भुजों की रचना की थी जिसमें भुजाओं की माप या कोणों की माप दी हुई थी। अभी जिन चतुर्भुजों के बारे में हम काम करेंगे वो कुछ अलग है। जैसे अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि हमें दो विकर्ण की माप दी हुई है और उनके बीच बनने वाला कोण दिया हुआ है। आपको लगेगा कि केवल इतनी सूचना से क्या चतुर्भुज बन सकता है। हम आपको बताएं कि एक और जानकारी दी हुई है, हमें ये कहा जा रहा है कि जो बनने वाला चतुर्भुज है वो समानांतर चतुर्भुज है। ये समानांतर चतुर्भुज का होना भी अपने आप में कुछ जानकारियों को समेटता है। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इन जानकारियों का इस्तेमाल करते हैं और चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने एक चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है ए बी सी डी। इसमें दिया हुआ है विकर्ण ए सी का मान 7 सेंटीमीटर है और विकर्ण बी डी का मान 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों विकर्णों के बीच बनने वाला एक कोण 40 अंश का है। ये सूचनाएँ हमारे पास हैं और एक बड़ी जानकारी कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है वो समानांतर चतुर्भुज है। ये सूचनाएं हमारे पास हैं, ये जानकारी हमारे पास है। अब इनका इस्तेमाल करके हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें चार बिंदुओं की ज़रूरत है जो उसके शीर्ष बनेंगे। तो जैसे ही हम एक विकर्ण खींचते हैं हमको दो बिंदु ए और सी मिल जाते हैं। तो हम विकर्ण ए सी पहले खींचते हैं जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण खींचने के साथ साथ हमें चतुर्भुज के दो बिंदुओं को उपलब्ध कराता है, दे देता है। तो हमने पहला एक विकर्ण खींचा जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ये हमारा रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया। ये बनने वाले चतुर्भुज का विकर्ण ए सी है। हम यहाँ पर इनका नाम कर दें, ये सिरा ए है और ये सी है। इसकी लंबाई जैसा कि अभी आपने देखा ये बराबर 7 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है हम कहाँ से खींचें? आपको मालूम होगा कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस कथन से हमें यह पता चल जाता है कि जो दूसरा विकर्ण है वो ए सी के ठीक बीच से गुजरेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें दूसरे विकर्ण को खींचने के लिए ए सी का मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। और आप जानते हैं मध्य बिंदु निकालने का सबसे आसान तरीका है कि हम दिए हुए रेखाखंड का लंबार्धक खींच लें। और लंबार्धक खींचने का काम भी आपने पहले किया हुआ है। हम उस रेखाखंड के आधे से अधिक का चाप लेते हैं प्रकार पर और उस रेखाखंड के दोनों ओर दो चाप खींचते हैं और इस फैलाव को, इस चाप को स्थिर रखते हुए बिंदु ए से भी हम यही काम करते हैं। यहाँ भी दो चाप खींचते हैं, दोनों चाप पहले वाले चापों को एक एक बिंदु पर काटते हैं। अब इन्हें हम मिला दें तो हमें ए सी का मध्य बिंदु मिल जाएगा। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा दूसरा विकर्ण उस बिंदु से गुजरने वाला है। ये हम कटी हुई लाइन से लंबार्धक को पूरा करें और ये ध्यान रखें कि यहाँ पर वो बिंदु हमें प्राप्त हो। इसे आगे बढ़ा दें, ये काम हमने कर लिया। ये जो बिंदु मिल रहा है इसे नाम दें, मान लीजिए हम ओ कहते हैं। अब ये पता चल गया कि विकर्ण डी बी जो है वो ए सी के मध्य बिंदु ओ से गुजरेगा। अब आप देख रहे हैं कि ओ से तो आप बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं जो गुजर रही हैं, यहाँ से अनंत रेखाएं बनती हैं।
तो दूसरा जो विकर्ण है वो ठीक कहाँ से गुजरेगा, क्या होगा, इसे जानने के लिए हम इस दी हुई माप का उपयोग करते हैं जो कहता है कि दोनों विकर्णों के बीच का कोण 40 अंश का है। हम चांदे को उपयोग करके एसी के साथ 40 अंश का कोण बनाते हैं। ये देखिए, चांदे को हमने ठीक ओ पर रखा, और इस पैमाने को हम बढ़ेंगे 0, 10, 20, 30, 40। यहाँ हमने एक निशान लगाया और इस निशान को, इस बिंदु को ओ से मिला दिया। ये जो हम बनाने जा रहे हैं वो दूसरे विकर्ण के बारे में बात करेगा। विकर्ण चूंकि दोनों तरफ होगा इसलिए इस किरण को हम इधर पीछे लेके जाए और इसे एक रेखा का रूप दे दें। ये देखिए, हमने दोनों तरफ एरो का निशान बनाया और ये रेखा बन गई। इसका नाम आप चाहें तो एल दे सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने कोण बनाया वो 40 अंश का है, ये आप लिख लें। यहाँ पर जो जानकारी हमें दी हुई थी उसका हमने यहाँ से फिर से उपयोग किया। अब देखिए, ये तो पता चल रहा है कि विकर्ण बी डी इस पर होगा, लेकिन इसकी लंबाई क्या होगी ये सूचना भी हमें दी हुई है कि विकर्ण बी डी 6 सेंटीमीटर का है। अब आपको ये पहले से मालूम है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विकर्ण का आधा हिस्सा इधर होगा और आधा हिस्सा इधर होगा। यदि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो जाहिर है इधर 3 सेंटीमीटर हिस्सा होगा और इधर 3 सेंटीमीटर होगा। हम प्रकार की मदद से 3 सेंटीमीटर का चाप लें या आप देख सकते हैं प्रकार को हमने इतना फैलाया कि वो पैमाने पर 3 सेंटीमीटर की जगह कवर करता है। ये फैलाव प्रकार का 3 सेंटीमीटर का है। प्रकार के नोक हम ओ पर रखें, यहाँ पर एक चाप काटें जो बताएगा कि ये नया बिंदु 3 सेंटीमीटर दूरी पर है, और वैसे ही रेखा के दूसरे तरफ भी हम एक निशान बनाएं और इन्हें आप नाम दे सकते हैं। ये चतुर्भुज का बिंदु बी होगा और ये चतुर्भुज का बिंदु डी होगा। अब हमें चतुर्भुज के चारों बिंदु मिल गए, ए और सी हमारे पास पहले से थे, बी और डी भी मिल गए। अब बहुत सावधानी के साथ इन्हें आप मिलाएं। ए के साथ डी को हमने मिलाया, रेखागणित में आप जितनी सावधानी से काम करेंगे आपका परिणाम उतना ही शुद्ध होगा। बहुत धीरे से आराम से इन्हें मिलाएं। ई डी को हमने मिलाया, अब ए बी को भी मिला दें। ये हमने ए और बी को भी मिला दिया, अब बी के साथ सी को मिला दें। ये बी और सी भी मिल गए, केवल एक भुजा बची सी डी, इन्हें भी हम मिलाएं। ये चतुर्भुज की चौथी भुजा बन गई सी डी। अब आप देखिए, आपके सामने वो त्रिभुज चतुर्भुज मौजूद है जिसकी आप रचना करना चाहते थे, ए बी सी डी, जिसके विकर्ण ए सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और विकर्ण बी डी जो आपने बनाया उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। दोनों विकर्णों के बीच का कोण 40 अंश का है। तो ये वो अभीष्ट त्रिभुज है जिसकी हम रचना करना चाहते थे। आपको हम एक बार फिर से रिवाइज करें। सबसे पहले हमने एक विकर्ण जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है ए सी, वो बनाया। इसका मध्य बिंदु चाहिए था, हमने लंबार्धक खींचा और लंबार्धक से प्राप्त मध्य बिंदु के साथ हमने एक उस बिंदु से हमने एक ऐसी रेखा खींची जो पहले वाले विकर्ण के साथ 40 अंश का कोण बनाती थी, और फिर उस पर हमने 3-3 सेंटीमीटर का चाप लिया। ये कुल लंबाई बी डी की 6 सेंटीमीटर मिली। इस तरह से हमें बिंदु डी और बी मिले, इन्हें हमने क्रमशः ए और सी से मिला दिया और हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी तैयार हुआ। तो ये आपकी रचना हुई, आप भी एक बार कोशिश करिए। करके देखें, क्या इसी प्रकार आप आयत एवं वर्ग की रचना कर सकते हैं? अपने साथियों से चर्चा कीजिए और उन पर आधारित दो सवाल बनाकर रचना कीजिए।